सुनिए सुनिए, क्या आप मुझे सोनपुर का रास्ता बता सकते हैं क्या? सोनपुर का? हाँ। अच्छा अच्छा, यू सीधा दगड़ा है ना, सोनपुर को ही जावे है? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, दगड़े को तो सोनपुर जाने दीजिए, मैंने आपसे ये कहा है कि मुझे सोनपुर का रास्ता बता दीजिए। अरे तू भी निरी बावड़ी है। नहीं नहीं, मैं बावली थोड़ी ना हूँ, मेरा नाम संजना है। सजना? सजना? अरे बावड़ी, सजना तो घरवाले का नाम होवे है। तू ते छोरी है, गन्ने दी पोरी है, तू ते सजनी हो सके है। इन शहर वालों का भी कुछ पता नहीं, माँ को बाप कह देवे हैं और बाप को माँ कह देवे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? देख छोरी, मारे माथे ना लगे, मैंने तुझे बता दिया ना, ऊ जुगाड़ खड़ा है ना, जा जाके उसमें बैठ जा और वो सीधा तुझे सोनपुर उतार देगा। भाई हद हो गई, कहाँ जाना है? सोनपुर। चलो चलो जल्दी करो। अरे और भी है सोनपुर कोई? मैं कैसे बैठूंगी? थोड़ी सीटें के बैठने की, जब तो पता चलेगा। बैठ ले, चल यहाँ भी मेट्रो चाहिए बैठने को। अरे वेदू, चमन की बीरवानी का क्या रिया? मैंने सुना कुछ छोड़ दी कही है। अरे छुटनी तो थी सुतरी, उसके कर्म ही ऐसे थे, इंगे तिंगे मुँह मारती फिर रही थी। कौन रख रहा उसे? अरे हम रखते। तू? हाँ। तू सबकी बीरवानी रखेगा? हाँ, हम रखेंगे। हम तो ही सभी रख सके जो ये सामने बैठी है। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा हम बदतमीज हैं? अब लोग तो करी नहीं हमने बदतमीजी, छोड़ करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो। अरे अरे रोकिए रे, एक मिनट। तू कौन है हमें कुछ कहने वाला? तू हम दोनों के बीच में से हट जा। मुझे पता तुम कैसे मानोगे, और न्यू भी पता कैसे नीचे उतरोगे। बैठा कर तू इस मेन्यू तो पहले ही कही, इतनी मत पिए कर सुतरे ने। गीता का घर यही है? हाँ जी यही है। आंटी जी, गीता का घर यही है? हाँ बेटी यही है। आंटी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा तू ही संजना है? जी आंटी। और बेटी आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? दिक्कत तो आती रहती है, लेकिन सुलझ भी जाती है। और सब ठीक ठाक? ओए तू कहाँ जा, वो सामान लिखवाया था, ले आया था तू? हाँ वहीं जा रहा हूँ, देख ले से बोला। कोई नहीं। आंटी आंटी, गीता नहीं दिखाई दे रही? गीता तो भीतर ही है। अरे ओ हलवाई घी मांग रहा था, दिया तू उसे? घी तो मैं दिया आया, अब पता नहीं क्या कहवे, देखूं मैं चल के। गीता, ए गीता। आई माँ जी। संजना? गीता। चल खड़ी हो जा, मैं पूरी बिलवा दे। आता हूँ। ठीक हो? आ गई तू? और हाँ ठीक हो? अरे मैं तो समझी थी कि तुम शायद आओगी भी नहीं, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। और वो तीनों का है, साक्षी, शिखा और दिया, वो तीनों नहीं आई, वो भी तो तुम्हारे साथ आने वाली थी। अरे हम पांच ही तो सहेली थी जो अपनी हर खुशी आपस में शेयर किया करते थे। यार वो तो शादी वाले दिन आएंगी, पर ये बता तूने किसी को भेजा क्यों नहीं मुझे लेने के लिए? अरे भेजा तो था दीपक को लेने के लिए, नहीं मिला? नहीं मिला, पर जिसे नहीं मिलना चाहिए था ना वो मिला। क्यों, क्या हुआ? अरे बस मत पूछ, पहले तो एक ने रास्ता बताने में कमाल कर दिया, और फिर वो क्या कहते हैं उसे, वो जो अजीब सा होता है जिसमें खूब सारे आदमी बैठते हैं, जुगाड़। हाँ हाँ जुगाड़, उसमें शराबी बैठे अनाप शनाप बक रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि एक लड़के ने उन्हें नीचे उतार कर बात संभाल ली। अरे कौन था वो लड़का? ये तो मैं नहीं जानती, पर उसकी वजह से मैं परेशान होने से बच गई। अरे संजना तुम्हें मेरे चक्कर में कितना परेशान होना पड़ा। नहीं गीता ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी परेशानी का कारण तुम नहीं रही, वो तो गाँव का कल्चर ही ऐसा होता है। हाँ वैसे एक बात है,
गांव के बारे में पापा की राय बिल्कुल ठीक रही। गांव की जिंदगी जीने लायक नहीं होती और यहाँ के लोग भी अच्छे नहीं होते, वो तो बस दूसरों को परेशान करना जानते हैं। दीदी तुम्हारी सहेली का तो कुछ पता ही ना, मैं तो बतेरी देर खड़ा होकर चला आया। अरे ये तो थी, आ भी गई और मिल भी ली। दीदी तुम आ गए, मैं तो तुम्हें लेने गया था। अरे अब तो आ गई ना। ठीक है तू बैठ, मैं तेरे दूध लेके आती हूँ। अरे छोड़ ना यार, पहले ये बता तेरा जुगाड़ कैसा है। आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। ये पूरे गांव में बांटिया। मम्मी पूरे तो मैं बांटी हूँ, पर मुझे अकेले जाने में शर्म आवे। आंटी जी ये क्या है? सो ऑयली। ए बेटी गांव में नहीं बने, गांव का एक पकवान है यू पूरे के ऐसे। आज गीता के बाण लगे ना, उसी रीति रिवाज के हिसाब से सारे गांव में पूरे बटे हैं। वाओ, इन्हें सारे गांव में बांटा जाता हाँ। है मोनी, फिर तो मैं भी इन्हें तुम्हारे साथ में सारे गांव में बांटूंगी। ठीक है चलो चलो। चलो मैं तो फर्स्ट टाइम गांव आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच में? वैसे गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है, शहर तो बहुत कंजेस्टेड रहते हैं। ताऊ जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटे नमस्ते, आओ आओ आओ। क्या ले रही है यू? पूड़े। पूड़े? जी। ये कैसे? गीता के बाण लगे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। और सब काम ठीक तो निबट रहे लाली? हाँ ताऊ जी सब ठीक है। लाली या छोरी ना पिछाड़ी मैंने? या गीता की सहेली है, कॉलेज में साथ पढ़ाती। नमस्ते। खुश रहो बेटे। हैं मोनी, ले बेटे इन्हें रसोई में रख दिए, मुझे जरा बाहर जाना है। हैं लो दीदी पूड़े उठा के तुम वहाँ रसोई में रख दो। हाँ क्या कर रहे हो? आंटी बाहर गई है क्या? आंटी? मेरा मतलब तुम्हारी मम्मी। वो इस दुनिया में नहीं है, जब मैं छोटा था जब ही गुजर गई थी। ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात ना। तुम यहीं रहते हो? हाँ यूं मेरा घर है, मैं यहाँ रहूं। पर तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ गीता की शादी में आई हूँ। अच्छा अच्छा, तू चचा रघुवीर के आई है? हाँ ये लो। ये? हाँ ये गांव का एक पकवान है, इन्हें पूड़े कहते हैं। वो आज गीता के बाण लगा है ना, तो इसलिए मैं और मोनी रिवाज के अनुसार इसे सारे गांव में बांट रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये हैं पूड़े? हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती थी, उस दिन तुमने मेरी बहुत मदद की, नहीं तो मैं पता नहीं किस मुसीबत में फंस जाती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, देखो इंसान ही इंसान के काम आओगा, ये तो इंसानियत की बात है। और कोई किसी की बहन बेटी को छेड़े या कोई अच्छी बात थोड़ी है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे तुम्हारा धन्यवाद तो करना ही था। क्या हुआ दीदी, चलना नहीं है क्या? अभी तो सारे पूड़े बांटने हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ, इन्हें खाना जरूर, बहुत टेस्टी है, बस थोड़े से ऑयली जरूर है। बाय। वो क्या कहते हैं उसे, वो गन्ना है। हाँ गन्ना मुझे खाना है, बहुत मीठा होता है ना। दीदी अब तो वैसे ही देर हो गई, घर पर जाकर खा लेना, घर पर भूत रखे हैं गन्ने। ठीक है चलो चलो। मोनी वो उस लड़के का नाम क्या है? किसका? अरे वही जिसके यहाँ हम अभी पूड़े देकर आ रहे हैं। महेश है। अच्छा वो पढ़ा लिखा कितना है? पढ़ा लिखा तो ज्यादा नहीं है। फिर वो काम क्या करता है? काम का के है, खेती बाड़ी है, जमीन है, ट्रैक्टर है, अच्छा खासा नाम है गांव में। कैसा लड़का है वो मोनी? ठीक है, पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? बस नहीं नहीं बस वैसे ही पूछ रही थी मैं। Okay.
संजना ये पानी ले ये। नहीं पीवेगा वो और पिए दे होगा। बोल कुछ तो बोल। की कह के शुरुआत करूं? कुछ बहाना भी तो ना समझ में आ रहा। लगता है मुझे ही कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। हाँ याद आ गया। की याद आ गया? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे पोड़े खाए थे तुमने? पोड़े नहीं पूड़े। कैसे लगे? मीठे लगे तुमने जो दिए थे। मतलब मीठे थे। तुम जो पूड़े देके गई ना वो मीठे थे। बुद्धू कहता कहता रुक गया। हाँ क्या? कुछ ना वैसे तुमने भी खाए थे पूड़े? हाँ मैंने गन्ने खाए थे बहुत टेस्टी लगे। हाँ लेकिन पूड़ा एक खाया था। एक? हाँ वो बहुत ऑयली थे ना इसलिए। कैसे कैसे? आई मीन उनमें तेल बहुत था। ले बगैर तेल के ट्रैक्टर चल नहीं सकता, दीपक जल नहीं सकता। दीदी दीपक? हाँ हाँ दीपक। दीपक मुझे आवाज लगा रहा है। अरे यू दीवड़ा बीच में कहाँ से आ गया? दीदी महेश तुम यहाँ बैठे स्टेज पे देखो कितना मजा आ रहा। मतलब हम रॉब भी ना चलावे लड़के वाले हैं। अच्छा तो रॉब जमा के साबित कर रहे हो कि तुम लड़के वाले हो। विश्वास ना दिखे। विश्वास की छोड़ छोरी, विश्वास तो मन ने और भी कई बातों का है। तो फिर इंसानों की तरह रहो। भाभी की शर्म है। भाभी किसे कह रहे हो? भाभी भाभी कह रहा हूँ। अभी कहाँ हुई है भाभी? अभी तो जयमाला होनी है, फेरे होने हैं साथ। आई समझ में बात? फेरे तो तेरे भी पड़ जाएंगे, जयमाला तो तेरी भी गिर जाएगी। आ बैठ। हाँ तो मैं तैयार हूँ, चलो फिर बैठते हैं। आ चल आ आ आ आ चल आना। सात फेरों की देरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। सात फेरों की देरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। ओ जयमाला की देरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। फिर तो छोरी तू मेरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। ओए बस फेरों की देरी है वरना गोरी तो तेरी है। बोली उठने की ओ जयमाला की देरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। बस फेरों की देरी है वरना गोरी तो तेरी है। सात फेरों की देरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। सात फेरों की देरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। मेरी है पंछी की तरह उड़ तो नहीं जाओगी। मुझे अकेला छोड़ के दूर तो ना जाओगी। अरे जो करना है कर जाऊंगी तुझको पाने के लिए। प्राण तेरे में आऊंगी कभी न जाने के लिए। ओए हाथों पे रचाने को मेहंदी की देरी है। ओए हाथों पे रचाने को मेहंदी की देरी है। फिर तो छोरी तू मेरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। ओए ब-
बस फेरू की देरी है वरना गोरी तो तेरी है। ओ जयमाला की देरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। बस फेरू की देरी है वरना गोरी तो तेरी है। सात फेरों की देरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। जब भी गलती कर जाओगी नादानी मानूंगा, आज की इस बात को जीवन भर ध्यान रखूंगा। माथे पे सजाने को तारों की देरी है। माथे पे सजाने को हाँ तारों की देरी है। बस तारों की देरी है वरना गोरी तो तेरी है। सात फेरों की देरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। बस फेरों की देरी है वरना गोरी तो तेरी है। सात फेरों की देरी है फिर तो छोरी तू मेरी है। बस फेरों की देरी है वरना गोरी तो तेरी है मेरी है। महेश, गीता भी चली गई और कल मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, घर भी खाली सा हो गया। एक दो दिन और रुक जाती तो ठीक सा रहता। कोई बहाना भी तो नहीं है? बहाना तो बनाने ते बने। तो फिर बता दो कोई बहाना। कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में मॉम, डैड और एक क्यूट सी सिस्टर। तुम्हारी बहन छोटी या बड़ी? नहीं, मैं बड़ी हूँ। और वैसे भी डैडी कहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं तो अकेला हूँ, के बड़ा और के छोटा। अकेली? हाय डैड, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, शादी में बहुत मजा आया, खूब मस्ती की हम सब ने। जी अच्छा, मम्मी और पिंकी कैसे? अच्छा डैड, मैं आज जरूर आ जाऊंगी। ओके बाय। तुम्हारे पास तो मोबाइल भी है। हाँ, तुम्हें यूज करना है, लो। हाँ, ये मोबाइल है, इसमें तो बटन भी है, मैं दबा दूं है ना। अच्छा। देख लो। तुम्हें फोन करना है तो तुम कर लो। मैं कहाँ करूँ, मेरे तो सब गांव में ही है, मैं तो रोज ही मिलता रहूँ इनसे। मेरा अपना कोई बाहर कहाँ है जिसे मैं फोन करूँ। अच्छा महेश, डैडी का भी फोन आ गया है, मुझे जल्दी निकलना है, पैकिंग भी तो करनी है। अब मैं चलूँ? बाय। अंकल नमस्ते। अरे नमस्ते बेटे, आ जा। महेश अंदर है क्या? ना, महेश तो ना है। कहाँ गया है? बस कुछ कह के ही ना गया लाली। कब तक आएगा? लाली मैं क्या बताऊं, जब वो मुझे कुछ कह के ही नहीं गया। पर हमें भी तो पता चला कुछ कि बात क्या है। नहीं नहीं, बात कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मिलना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो आओगा तो मैं कह दूंगा। ठीक है, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। चाची राम राम। राम राम। संजना हैगी के? ना वा तो ना, के काम है? उसने गन्ने मंगाए थे। वा तो गई।
कद गई वा ई भी गई बालक जा रहे पठान। अच्छा अरे संजना कहाँ है? उसे तो हम बस में बिठाया है। वो जा रही है संजना। संजना 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 हाँ रुको रुको तो सही। ड्राइवर गाड़ी रुको प्लीज, ड्राइवर गाड़ी रुको। संजना महेश 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 वो गन्ने लाया था मैं तुम्हारे लिए। गन्ने? हाँ वो तुम उस दिन कह रही थी ना गन्ने तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना। तुम्हें बहुत याद रही मेरी छोटी सी बात। तुम्हारी कोई बात मेरे लिए छोटी थोड़ी है। तुम जा रही हो संजना? जाना तो पड़ेगा ही। क्यों जाना पड़ेगा? तुमने रोका भी तो नहीं। मैं रोकूंगा तो तू रुक जाएगी। कोई बहाना भी तो चाहिए होता है। तो मत जाओ संजना। अरे जल्दी कर ले लाली, हमें देर होने लग रही है। अच्छा महेश अब मैं चलती हूँ, घर पहुंचकर दीपक भैया वाले फोन पर बात कर लूंगी, ठीक है? तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो संजना? महेश मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। संजना हाँ ये तो रह ही गए। गन्ने से भी ज्यादा मीठे हो। फिर तो तेरे से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा और नहीं तो तू तो मुझे चट कर जाएगी। अच्छा महेश बाय। तेरा ना काढ़ कलेजा लेकर जाना, दिल को मेरे पागल कर गया, दिल को मेरे पागल कर गया। अंदाज तेरा मस्ताना, अंदाज तेरा मस्ताना हो। बातों में तुम एक हम ही तो हैं बस गुम। यादों में तुम ख्वाबों में तुम, यादों में तुम ख्वाबों में तुम, चारों तरफ बस तुम ही तुम। दिखते दिखते ओ गोरी, दिखते दिखते ओ गोरी, तेरा गायब हो जाना, तेरा गायब हो जाना। होए मेरे गम में तेरा ना काढ़ कलेजा लेकर जाना, दिल को मेरे पागल कर गया, दिल को मेरे पागल कर गया। अंदाज तेरा मस्ताना, अंदाज तेरा मस्ताना होए।
दोपहर चाहूं तुझे मैं आठ पहर। जीवन का सफर हो तुझसे बसर, जीवन का सफर हो तुझसे बसर, रहे न बाकी कोई कसर। कले जा ले कर जाना, दिल को मेरे पागल कर गया, दिल को मेरे पागल कर गया। अंदाज तेरा मस्ताना, अंदाज तेरा मस्ताना। ओए मेरे गांव में तेरा आना, काड़ कले जा ले कर जाना हो। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भाई, ये तो कमाल हो गया। हाय बाय कहने वाली हमारी ये बेटी आज नमस्ते कह रही है। ये आके खड़ी हुई नहीं कि आपने आते ही इसकी खिंचाई शुरू कर दी। ओ सॉरी पापा। कैसी है हमारी गुड़िया रानी, और ये बताओ शादी कैसी रही? बहुत अच्छी हूँ पापा, और शादी में बहुत मजा आया। सच? हाँ सच पापा। अब गाँव पहले जैसे नहीं रहे, काफी कुछ बदल गया है। कम से कम जैसा मैं सोच कर गई थी वैसा तो कुछ भी नहीं था। ओहो, कुछ और सुनाओ। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, और कुछ चीजों के साथ कुछ इंसान भी कभी नहीं बदलते। दीदी पिंकी। दीदी तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल बोर हो गई थी। कभी टीवी, कभी वीडियो गेम, कभी नेट, पता है मन ही नहीं लगता था। अब कैसे लगेगा मन? क्या हुआ, क्या बात है, कोई मुझे भी बताएगा? बल लगता है जनाब को काफी बेताबी है जानने की। तो सुनो, संजना वल्द हरिशंकर का निकाह अखिलेश वल्द जगदीश के साथ कबूल पाया गया। क्या तुम्हें कबूल है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो, रिश्ता भी बड़े घर से आया है, खानदानी रईस हैं, इसलिए शादी पक्की कर दी। पर मम्मी, देखो संजना, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी ही होगी। हमने तो पहले से ही प्लान कर रखा है, एक सप्ताह के अंदर तुम्हारी शादी है। क्यों पिंकी? पर पापा मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं क्योंकि मैं शादी कर चुकी हूँ। आई एम ऑलरेडी मैरिड। संजना, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? संजना, ये तूने क्या किया, हमें बताती तो सही, वैसे भी हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं। मम्मी मैं आपको बताने ही वाली थी, पर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि शट योर माउथ। अब सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, लोग क्या कहेंगे कि बेटी ने शादी कर ली और माँ बाप को पता ही नहीं चला? ऐसी बात नहीं है पापा। और कैसी बात है, मैंने तुझ पर विश्वास किया और उसका ये नतीजा निकला। मैं तो यही सोचता था कि मेरी दो बेटियां हैं जो बेटों से कहीं बढ़कर हैं। पापा मुझे माफ कर दीजिए, हमने सिर्फ शादी की है। सिर्फ शादी की है तुमने? संजना, ये सिर्फ दो जिंदगियां ही नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन भी होता है, ये कोई मजाक नहीं है। पिता के हर मान, परिवार का सम्मान, पर तुमने न पिता के अरमानों की कद्र की, न परिवार के सम्मान की। पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी। अब जो हो गया सो हो गया, अब आप इसे माफ कर दीजिए। हाँ पापा, आप दीदी को माफ कर दीजिए। माना कि दीदी से गलती हुई है, लेकिन पापा दीदी ने जिससे शादी की है वो एक अच्छा ही लड़का होगा ना? और अगर हम इस शादी को नहीं मानते हैं तो हमारी ज्यादा बदनामी होगी, और फिर हमारी संजना वैसे भी समझदार है, कोई ऐसा वैसा लड़का तो ढूंढा नहीं होगा, अच्छा ही ढूंढा होगा। ठीक है, अगर वो लड़का ठीक हुआ तो मुझे कोई एतराज ना होगा,
लेकिन वो लड़का गांव का नहीं होना चाहिए। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? जी। वाओ दीदी, अब तो पापा भी मान गए। अब जल्दी से बताओ जीजाजी कैसे हैं? दीदी वो ड्राइविंग कैसी करते हैं, सॉफ्ट या हार्ड? और जब वो जींस टी शर्ट पहनते हैं तो किस हीरो की तरह लगते हैं? और जब वो बोलते हैं उनके बोलने का एटीट्यूड कितना स्वीट है, और उनकी चाल ढाल रहन सहन कितना डैशिंग है। पिंकी, किसी लड़के में ये सारी बातें होनी जरूरी है क्या? नहीं दीदी, एक आध कम भी हो तो भी चलेगी। क्या करूं, कैसे करूं? नहीं मिलाया तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर मिला दिया तो और भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। छिपा कर रखूं तो कब तक रखूं? और अगर सच बता दिया तो पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो किस उलझन में फंस गई हूं? हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। महेश, महेश, संजना का फोन आया था। हैं? हाँ। महेश। हाँ संजना। हाँ कैसी है तू? महेश तुम फौरन शहर चले आओ। ये बात हुई? बस तुम फौरन आ जाओ। बात भी बताओगी या कुछ हुई भी? वो सब मैं तुम्हें यही बता दूंगी, बस तुम आ जाओ। और हाँ, इस तरह से आना कि तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना भी पड़ सकता है। कुछ दिन रुकना है? फिर पिताजी की कैसे होगी? मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करो कुछ भी करो, बस तुम फौरन आ जाओ महेश प्लीज। संजना तू कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है महेश, बस तुम आ जाओ। चल पढ़ाऊंगा पिताजी को कोई पहाड़ा, पर न्यू बता मुझे आना कैसे है। सुनो ठीक है। कैसी हो महेश? कैसा हो सकूं तेरे बगैर, तू बता कैसी है? अब ठीक हो गई हूँ महेश, एक मुसीबत आ गई है। मुसीबत? हाँ। कैसी मुसीबत? पर तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, जो बात थी तू बता देती। और मैं करती भी क्या, जो उस वक्त मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। तुम्हारा जिक्र भी कैसे करती, तुम भी तो गांव के हो। तो क्यों पसंद करे मैं कोई शहर का ही ढूंढती। उफ़ो, तुम तो बात संभालने की जगह उल्टा बिगाड़ने पर लग रहे हो। अरे नफरत वो करते हैं, मैं थोड़ी ना करती हूँ। और फिर हम दोनों को मिलकर इस नफरत को ही तो खत्म करना है। पर तेरे घर वाले गाँव वालों से इतनी नफरत करे क्यों है? वो क्या है ना, मेरी बुआ जी ने मेरे पापा जी और मेरी दादा जी की मर्जी के खिलाफ गांव के एक लड़के से शादी कर ली, और फिर उन्हें उनके ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया, बल्कि यहाँ तक कि जब वो बीमार हुई तो उनका सही तरीके से इलाज भी नहीं कराया, और फिर मेरी बुआ जी ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। बस फिर उस दिन से मेरे पापा और घर वाले गाँव वालों से नफरत करते हैं। वाकई तुम्हारी बुआ जी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन सब गाँव वाले एक जैसे थोड़ी हुए। महेश तुम्हें शहरी तौर तरीके सीखने होंगे।
शहरी तौर तरीके, ये किस खुशी में? अरे मेरे पापा से मिलने के लिए। वो तो मैं ऐसे ही मिल लूँगा। नहीं, अभी कहा तो था कि वो गांव वालों से नफरत करते हैं। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा महेश। भाई मेरे बस की ना, ये उल्टा सुद्धा काम। नहीं महेश, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा मेरे लिए। के करवाना चाहे तू? वे बात याद करूं जो हमारी है ही ना, है? मम्मी को मॉम, पिताजी को डैड, संजना मेरे बस की नहीं है ये काम करना। महेश मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन गलत मैं भी तो नहीं कह रही। जिस दिन तुम पापा के दिल में उनके दामाद की छवि बना लोगे, उस दिन मैं उन्हें सारी बातें सच सच बता दूंगी। लेकिन फिलहाल तुम वैसा करो जैसा मैं कह रही हूँ, ठीक है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मुझे ना आती है, मैंने ट्रैक्टर चलाया गांव में। अच्छा ट्रैक्टर, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो तुम्हें गाड़ी सीखने में आसानी रहेगी। अरे मुझे ना सीखने गड़बड़, मैं कहीं ठोक ठाक दूं तो और कोई बात हो जाएगी खामखा। तू कोई और बात कर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है? पर अब मेरा की मतलब है इन बातों से खामखा? मतलब क्यों नहीं है, मैंने घर पर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया है। चलो चलो ना। तने के बताया घरू? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर? अब मैं कुल्फी भी बनाए करूँगा के ब्याह के चक्कर में? सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं होते, कोट पैंट पहनते हैं, टाई बांधते हैं, सूट बूट पहनते हैं और गाड़ी चलाते हैं, समझे? अरे हट परे को, ना बांधो मेरे टाई, ना कोट परावे काला, ना बांधो मेरे टाई, ना कोट परावे काला, ऐसे ही मैं ठीक हूँ, ऐसे ही मैं ठीक हूँ। सीधा सादा गाँव वाला, सीधा सादा गाँव वाला। ये छोड़ पजामा कुर्ता, क्यों इसमें खुद को ढाला? ये छोड़ पजामा कुर्ता, क्यों इसमें खुद को ढाला? सूट पहन के चलेगा जब तू, अरे सूट पहन के चलेगा जब तू, अरे लगेगा सबसे निराला, हाँ लगेगा सबसे निराला। ना बांधो मेरे टाई, बनावट है मिलावटी है खाना, पड़ोसी ने कब यहाँ पड़ोसी को जाना। लोगों में बनावट है मिलावटी है खाना, पड़ोसी ने कब यहाँ पड़ोसी को जाना। शर्म चली गई कपड़ों में लिपट के, शर्म चली गई कपड़ों में लिपट के, कद बाप को बाप माना, हाँ कद बाप को बाप माना। ये बात जमाने की सवाना है, मकड़ी का जाला, अरे है मकड़ी का जाला, रे ख्याल कर अपना मेरा और खोल कल का ताला, अरे खोल कल का ताला। ना बांधो मेरे टाई, ना कोट परावे काला, ना बांधो मेरे टाई, ना कोट परावे काला, ऐसे ही मैं ठीक हूँ, ऐसे ही मैं ठीक हूँ। सीधा सादा गाँव वाला, सीधा सादा गाँव वाला, ना बांधो मेरे टाई।
मेरी तो समझ में आ ना रहा है, आप क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर करें तो क्या करें? हाँ महेश, मुझे एक आइडिया आया है। कुछ और कसर रहेगी के? क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक पढ़े लिखे लड़के को पति बना कर ले जाती हूँ। के कह रही है तू? हर लड़की का एक पति होता है। हर आदमी अपना ईमान मेरा क्या होगा? ओहो महेश, तुम तो नाराज हो गए। अरे मैं सचमुच में किसी को अपना पति थोड़ी ना बना रही हूँ। तो सिर्फ मैं पापा को बहकाने के लिए उसे अपना नकली पति बनाकर ले जाऊंगी, सिर्फ दिखावा करने के लिए। पैसा पैसा, कोई भूखा मरता हो तो मर जाए, कोई जिंदा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। हर चीज में बस पैसा चाहिए। किसी की माँ मरती हो मर जाए, किसी का बाप मरता हो मर जाए, बेरोजगार आदमी नौकरी पाने के लिए जाए तो सबको पैसा 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 हो गया भगवान। चुप मर जाओ, ये डेडे डेडे कर रहा है यहाँ, देख नहीं रहे आप? बात कर रहे कितनी कुछ कह रहा हूँ मैं तुझसे, आप अपना काम करो बस। महेश, मैंने एक फिल्म देखी है जिसमें गोविंदा हीरो होता है और करिश्मा कपूर फांसी दे देनी चाहिए। गोविंदा नौकर बन के आता है और सबका दिल जीत कर ले जाता है करिश्मा कपूर को अपने साथ। देख वह फिल्म है ना, मैं गोविंदा हूँ ना तू करिश्मा कपूर है, जमीन तक जुड़ी हुई बात करेगा। कोई मरता हो तो मरे, बीमार आदमी हॉस्पिटल में जाए, पैसा ना हो तो मौत पक्की है उसकी। एक गरीब आदमी तन ढकने के लिए ना जाने क्या क्या करता है, ईमान बेच दे, सब कुछ बेच दे, जब भी उसकी जेब में कुछ नहीं जाने वाला है। अरे मर जा, ज्यादा टेटे ना करे, अन्ना कहीं और बैठ जा जाके। मैं यूं कतई नहीं कर सकता। लगना चाहिए प्लीज, तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा। जो कोई बचाए इस दुनिया, इतना मुश्किल काम है मैं कैसे कर लूंगा? उसको भी सरेआम गोली मार देनी चाहिए। नहीं महेश, तुम मुझे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। अरे क्या जरूरत है जीने की? ओए क्या है, हो जा। मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। हाँ भाई साहब, कह नहीं रहा हूँ कुछ मैं। हम फिर एक हो जाएंगे। कोई आदमी परेशान है तो उसकी परेशानी से किसी को कोई मतलब नहीं है। मर जा। मान लिया मैं तैयार हो भी जाऊं, पर होगा कैसे? मैं तो अपने पिताजी को दो चार दिन का पहाड़ा पढ़ा के आया था। अरे कोई बात नहीं, बस ये थोड़े दिन की तो परीक्षा है। यहाँ आकर मेरा गला दबा रहा है। आइडिया, तुम बीच बीच में गांव होकर आते रहना। शरीफ आदमी का तो हर कोई गला दबाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि शरीफ आदमी। यार एक बात बता, मान लिया बात हम मान भी ले, अब यह एक नई समस्या नहीं खड़ी होगी? तेरा पति कौन बनेगा पढ़ा लिखा? कोई भी आए, कुत्ते बिल्ली की तरफ से ठोक कर चला जाए, कोई जीना, कोई जीना है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दुनिया में। यू बन जाएगा, पैसे की जरूरत होगी तो जरूर बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? हेलो, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ, तुम्हें मुझसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठो लड़की को लेकर के, यहाँ बैठो। हाँ हेलो भाई साहब, क्या है? एक मिनट यहाँ तो आ। देखो मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुमसे। आजा यार, तू कितना अच्छा आदमी है, आ तो सही। आजा यहाँ आजा, ये आजा, यहाँ बैठ जा। के नाम है तेरा? मेरा नाम? मेरे से बात कर। क्यों? अरे कुछ तो होगा यार, बता, दोस्त है हम, ऐसी थोड़ी है। रोहित नाम है मेरा। क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? हाँ तुम कौन हो? हाँ मैं नौकरी देने वाले। नौकरी देने वाले? हाँ पर कंपनी कौन सी है तुम्हारी? हमारी एक कंपनी है, हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, लेकिन अगर तुम हमें कंपनी दोगे यानी कि साथ दोगे तो हमारी कंपनी में तुम्हारी नौकरी पक्की है। पर मेरा काम क्या होगा? तुम्हें सिर्फ मेरा पति बनना है। बले 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 बले। अरे सुन तो सही यार, अरे सुन तो सही, बात तो सुन यार। मैं नहीं। अरे सुन, मैं नहीं, बात तो सुन यार। क्या? हाँ, अब समझा। तुम्हें मेरा पति बनना है, घबराने की कोई बात नहीं है। तनख्वाह मिलेगी? चिंता मत करो, पैसे खूब मिलेंगे, खूब। हाँ पैसा मिलेगा, पैसा। पर ये कौन है? ये मैं इसका होने वाला पति। तुम इसके होने वाले पति? हाँ। तो मैं? तू किराए का पति। किराए का पति? मैं तुम्हारी पत्नी। तुम इसकी पत्नी? तुम्हारी भी वैसे। मैं किराए का पति, ये पति, मैं किराए का पति, तुम पत्नी। हाँ। ये किराए का पति, मैं नहीं नहीं, मैं किराए का पति, ये पति, तुम पत्नी। तुम पत्नी, पति, मैं किराए का पति, ये पत्नी, ये पत्नी। हाँ हाँ बस ठीक है ठीक है। ये किराए का, ये
ये किराए का पति है, पति है पत्नी, ये किराए का पति है, पति है पत्नी, ये किराए का पत्नी। भोपू मत बजावे, कुछ काम आगे भी करने हैं। हाँ ठीक है, पैसा मिलेगा ना? पैसा खूब मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। चल चल देखो कैसा पूरा पाड़ेगा यू। ये बैग तुम पकड़ लो, वरना ये कहेंगे कि रिश्तेदार बैग उठा कर आ रहा और नौकर खाली आ। हाँ ये ठीक कह रहे हैं महेश, अब बैग तुम पकड़ लो ना। मैं पकड़ूंगा ये बैग। ये अच्छा ला भाई दे। महेश तुम पीछे बैग लेकर आओ और रोहित को आगे आने दो, मान लो ना प्लीज। आ जाओ। हाँ चलो। दीदी आप लोग आ गए। मम्मी पापा देखो ना कौन आया है। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी ये कौन है? हम तेरे जीजा। क्या कि नौकर है, नौकर सर्वेंट। अरे बेटा अंदर तो आने नमस्ते थे। मम्मी नमस्ते, नमस्ते पापा। बाहर ही खड़ा रखेगी क्या इन्हें? नमस्ते जी। आओ जीजा जी आओ ना, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ हाँ चलो ना। आओ बेटा बैठो। बैठो बेटा। और बेटा ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ। और बेटा घर पर भी सब ठीक है? जी घर पर भी सब ठीक है। अच्छा पिंकी बेटे जाओ पानी लेकर आओ। जी। संजना बेटे आने में बहुत वक्त लगा दिया। वो इन्हें ढूंढने में टाइम लग गया। क्यों तुम्हें इनका घर नहीं पता था? मतलब ये बाहर गए हुए थे, आने में टाइम लग गया इन्हें। ये कौन है? हम तुम्हारे दामाद। क्या ये कि नौकर? नौकर सर्वेंट। जी, जी मेरा नौकर है ये। नौकर? पर ये सोफे पर क्यों बैठा है? अच्छा तो बेटे ये बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी वो तो विदेश में रहते हैं मम्मी के साथ। विदेश में? अच्छा विदेश में कहाँ रहते हैं? लंदन। जी अमेरिका। पहले लंदन थे अब अमेरिका शिफ्ट हो गए। अच्छा अच्छा। बेटा रोहित तुम क्या करते हो? वो तो बताऊंगे। वो नई नई जॉब है ना, इसलिए काम अब कंफर्म होगा। जी हाँ, पानी। वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आजकल छुट्टियों पे चल रहा हूँ। अच्छा जी। लो। अरे तुमने भी इनकी इंक्वायरी से लेनी शुरू कर दी, थक गए इन्हें आराम करने दो। पिंकी जाओ कमरे दिखा दो जी। और हाँ बाद में खाना खिला देना। नहीं मम्मी जी खाना तो हम लोग खा कर आए हैं। आइए जीजा जी। हाँ चलिए। महेश बैग ले लो। जीजा जी ये तो बड़ा आकड़ू है, क्या नाम है इसका? महेश। अच्छी जोड़ी लग रही है इन दोनों की। जीजा जी ये रहा आपका और दीदी का कमरा। और महेश तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तू यहाँ तक ही बता दे मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्यों? वो इसलिए ना कि ये मेरा नौकर है, मेरी सेवा करेगा, मेरे पैर दबाएगा। साले क्या कह रहा था? नौकर हूँ तेरा है? तू नौकर, तेरा बाप नौकर, तेरा दादा नौकर, तेरा सारा खानदान नौकर। क्या कह रहा है ये? सेवा कर रहे हैं ये? कुछ नहीं कह रहा, ये तो अपना परिचय दे रहा है। ये कह रहा है कि ये हमारा नौकर है, इसका बाप हमारा नौकर था, इसका दादा भी हमारा नौकर था, इसका पूरा खानदान नौकर रहा है। ये आपके साथ पहले से रहता है? हाँ हाँ क्यों? तो इसने पहले कभी नहीं बताई ये बात? पहले पहले कभी नहीं बताई, पर आज मैंने ठान लिया कि अपने महेश का पूरा परिचय जानकर ही दम लूंगा। पिंकी अब तू जा अपने जीजा जी को आराम करने दे। जा जा। अरे मैं तो भूल ही गई महेश,
तुम्हारा कमरा जीने के बराबर वाला है। मतलब मैं उंगा सोऊंगा और तुम दोनों एक जगह ही सोओगे बेड पे? महेश मजबूरी है। तू कहाँ सोऊंगा? यहीं सोऊंगा और कहाँ? अरे यहाँ तो पता है पर यहाँ कहाँ सोऊंगा? बेड पर। बेड पे? हाँ सुवामा तुझे बेड पे, तू यहाँ सोऊंगा जमीन पे। जमीन पर? हाँ जमीन पे, मुंह के सुकोड़ रहा, तनख्वाह मिलेगी तुझे इस बात की तो देना। और हाँ जो कुछ बात करनी है मेरे सामी कर, पीछे ते बोल लेगा नहीं तू इससे। ठीक है संजना तू आराम कर, मैं चलता हूँ। ठीक है। ये अबे तू क्या सोच रहा है, तेरे हिसाब से चलूंगा, पपी लूंगा, बेड पर भी सोऊंगा, दरवाजे भी बंद करूंगा, समझा? और हाँ मैं वहां सो जरूर रह हूं, कान मेरे यही है, जरा सी भी आवाज आगी ना फिर मैं तुझे बता दूंगा। और हाँ मैं किसी टाइम भी चेक करने आ सकता हूँ, कुंडी बंद मत कर लिए। चेक कर लिया किसी टाइम, जैसा ये है इसे तुम तो जल सकती हो, मैं नहीं जल सकता। ये क्या हो रहा है? पापा मैं वो महेश को काम समझा रही थी। काम? काम समझा रही थी? हाँ जी। पर ये कौन सा तरीका है, ऐसा समझाना तो मैंने पहली बार देखा है, वरना काम तो मुंह से बोलकर समझाया जाता है। वो पापा वो अच्छा रहने दे, ये बता कि दमाजी को चाय देकर आई? बस अभी देके आ रही हूँ। चल तू छोड़, रहने दे, चल महेश चल कर दमाजी को चाय देकर आ, चल चल। तेरा ससुरा बेड पे पड़ा है, कह के गया था जमीन की, प्याऊंगा इसे चाय। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बता रहा है, जब मन्ने मने करी तो बेड पे कैसे सोया? भाई साहब दरवाजा खुला हुआ था, संजना जा चुकी थी यहाँ से, और मैं नीचे लेटा रहता और बाई चांस वो बूढ़ा आ जाता तो सारा भांडा ना फूट जाता। हाँ यार यह बात तो तू ठीक कह रहा है, अरे अपनी किस्मत ही खराब है यार, जिस घर में जमाई बन के आना चाहिए था सुसरे नौकर बन के आए। चल हट परेगू, आराम करन दे, बाहर गया तो बूढ़ा फिर कोई काम बताओगा। खाकर तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल डले ट्रैक्टर में, खाओ तो सही। मैं नहीं खाऊंगा, तू तो मुझे खिला खिला कर मार देगा, जब से आया है मेरे ही पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है, तेरा तो प्लान सा लग रहा है मुझे मारने का। तू यहाँ से चला जा बेटे रोहित, तू इसे यहाँ से भगा दे, चलना बेटी तुम इस तरीके बाहर घूमे आओ। नहीं नहीं पापा जी, हम यही ठीक हैं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? अब क्यों नहीं जाएंगे, मैंने तो आप दोनों के जाने का इंतजाम भी कर दिया है। क्यों रोहित जी ना जा रहे? ओए गधे, ओए गधे, संजना के साथ रोहित जी ही तो जाएंगे। और मैं? तू यही रहेगा। पापा हम यही ठीक हैं। ठीक कह रही है ये, अपना घूमना फिरना ठीक ना, अपना कितने तो बम पट रहे हैं, रोज टीवी में आवे, अपना जैसे यहाँ कट रही है काट लो। हाँ पापा आजकल घूमने फिरने का माहौल है ही नहीं। ओफो दीदी तुम भी बच्चों की तरह बात करने लगी, ऐसे भी कोई डर के रहा जाता है क्या? पापा
आपको हमारी वजह से परेशानी हो रही है क्या? कैसी बात कर रही हो बेटी? माँ बाप को भी कोई बच्चों से परेशानी हुई है कभी? फिर आप हमें क्यों भेज रहे हैं? बेकार में पैसे ही तो खर्च होंगे। नहीं नहीं, तुम घूम के आओ, बच्चों के लिए कभी पैसा देखा जाता है? और क्या दीदी, हनीमून? बाबूजी, मैंने देखा टीवी पे रोहित जी से एक आतंकवादी की शक्ल हूबहू मिले। कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर छुड़वाते ही फिरोगे? मुंह बंद रख, बोलेगा उल्टा ही बोलेगा। सजना बेटे, मैं कुछ नहीं जानता, तुम दोनों को जाना ही होगा। मैंने तो टिकट भी मंगा लिए हैं। टिकट भी मंगा लिए? और पापा, आप परेशान भी लग रहे हैं। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात नहीं, नहीं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है पापा, आपने हमसे बिना पूछे जाने का प्रोग्राम भी बना दिया। ये सब तुम्हारी खुशी के लिए ही तो किया है। जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, वरना ट्रेन छूट जाएगी। भाई हद होगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तुम तो मौज ले रहे हो दोनों, कभी पार्टी कभी घूमना, ऐस काट रहे हो ऐस, और जो असली काम है वो हो नहीं रहा। और हम कर भी क्या सकते हैं, जितना हो पा रहा है उतना किया जा रहा है। कोई नहीं जा रहा कहीं भी, और अगर जाओगे तो मैं भी गैल जाऊंगा। अरे पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक काम करते हैं, तुम दोनों तो जा ही रहे हो, मैं भी बुड्ढे से कह दूंगा कि मैं गांव में जा रहा हूँ, तुम स्टेशन पे मेरा इंतजार करियो, मैं वहां आ जाऊंगा। और हाँ, वो पटबीज ने मेरा टिकट लेकर आ गया। इतने तुम मुझसे ढंग से नहीं बोल सकते क्या? तू है इस लायक? मतलब इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए, सब चढ़ेंगे मुझ पर ही। बताऊं? अरे अरे, लड़ना छोड़ो और चलने का प्रोग्राम बनाओ। चलो। ओए महेश, महेश प्लीज तुम ले लो प्लीज। चल दिए मेरे बच्चे, शुक्र है आप मान तो गए। बेटी ठीक से रहना और किसी अनजाने लोगों से ज्यादा बातें मत करना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी नमस्ते। ओए तू कहाँ जा रहा है? यही रुक। मैं गांव में जा रहा हूँ और यहाँ के एक रूआ। तू यही रह, घर का काम कौन देखेगा? ठेका लिया मैंने घर के कामों का, मैं नौकर हूँ, इनका थारा थोड़ी हूँ। बात मेरी इनकी या नौकर की ना है बेटा, घर में काम बहुत है और तुझे तो मालूम है मेरी तबीयत कुछ खराब रहती है। अच्छा, अगर मैं तुझे अपना बेटा बना के रखूंगा तब भी नहीं रुकेगा? असल बात यह है बेटा, हमारा नौकर अभी छुट्टी पर है। कोई अगर मगर नहीं, जब ये बेटा कहकर रोक रहे हैं तो रुक जा बेटा। हाँ जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ, महेश मेरे ही पास है। क्यों मुन्ना? ला महेश ये बैग मुझे दे दे। अच्छा पापा। अच्छा बेटा। अच्छा डैडी जी। अच्छा मम्मी जी। बाय दीदी। बाय जीजू। बाय बाय। बाय दीदी। बाय जीजू। बाय बेटा। बाय। बेटा कैसा सुस्त सा बैठा है, तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ जी ठीक है। मुझे पता है तेरा मन नहीं लग रहा है। अच्छा ये बता बेटा, गांव में तुम कौन कौन रहते हो, क्या करते हो? जी गांव में मैं और मेरे पिताजी रहे हैं, हम खेती बाड़ी करें। अच्छा थोड़ी ही जमीन होगी गांव में? नहीं नहीं, जमीन तो जी 50-55 बीघे है, ट्रैक्टर भी है न्यू। तो तेरे तो बहुत जमीन है, इसका मतलब है कि तू भले परिवार का है, फिर ये नौकर का काम क्यों करता है? मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं करता जी, कभी कभी काम कुछ पाने के लिए भी किया जाता है। तो क्या पाना चाहता है तू? पा तो लिया माँ जी, बस हासिल होने की कमी है, और थारा आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगा। क्या पा लिया, जरा हमें भी तो पता चले। बस ये समझ लीजिए जी, यहाँ आया हूँ तो आप में अपनी माँ को पा लिया। पगले।
महेश। अरे तुम उल्टे आ गए, तेरे बिना जाकर करते क्या हम? अरे यार तू तो बहुत बढ़िया आदमी है, मैं तो तुझे वैसे ही मान रहा था, पर तन्ने तो यार उल्टे आके इंसानियत दिखा दी। बता तुझे के दूं यार, बस बस बस, के ही नाम दे दूं मैं, इसने तो संजना वाकई नाम का काम कर दिया। तुम लोग वापिस आ गए, कुछ सामान रह गया है क्या? नहीं जी, वो हमारे टिकट खो गए। हाँ हाँ, टिकट खो गए हमारे, टिकट खो गए। हाँ हाँ, टिकट खो गए। अरे पापा जी, घर से बाहर निकलते ही अब शकुन शुरू हो गए। रास्ते में दो बार काली काली बिल्लियों ने रास्ता काट दिया, और पापा जी जिस टैक्सी में हम बैठकर जा रहे थे उसके सारे टायर पंचर हो गए। क्या है ना, बगैर मन के जा रहे थे इसलिए काम हुआ ही नहीं। बगैर मन के इन्हें क्या हो गया? आप बड़े ऑफिस जा रहे हैं बार बार, शायद पेट खराब हो गया। पर तुम दोनों वापस कैसे लौट आए? टिकट खो गए, टिकट। टिकट कैसे खो गए? और चलो खो भी गए थे तो वहाँ रिजर्वेशन काउंटर से दूसरे ले लेते, की फायदा, फिर खो जाते। फिर क्यों खो जाते? नहीं नहीं, वो बगैर मन के जा रहे थे ना, और जब बगैर मन के जाते हैं तो काम बिगड़ ही जाता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अभी आने की भी ना है। चलो संजना। नई नई शादी होने के बावजूद हनीमून पर जाने का मन नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? बाप रे, वाह बेटा वाह, इस घर में नौकरों के तो ठाठ, बाकी सबकी वाट। आज नौकर बनकर इस घर में मजे ले ले, वहां जमीन पर सोने से तो अच्छा है। क्या बात है। पर बेटा रोहित, सोचा जाए तो तू भी तो इस घर में नौकर बनकर ही आया है। चल नौकर के मजे सही, जय भोले की। महेश, तुमने पापा को क्या खिला दिया? उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैंने तो घी खुआया था, मतलब बुड्ढे को घी हजम ना होया, इसमें मेरी गलती है। तुम मेरे पापा को बुड्ढा कह रहे हो? हाँ तो उस जवान को घी हजम ना होया। तुम्हें हमेशा मजाक सूझती है, इन हरकतों से तुम उनका दिल जीतने की जगह उनकी नजरों में चुभने लगोगे। एक तो मैं सेवा पानी कर रहा हूँ, अब उस पर भी तू उल्टी बात कर रही है। महेश, महेश। क्या करूं, बूढ़ा होगा, पांचों को बताऊंगा क्या बूढ़ों को। आरा 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 भी। अरे बुड्ढे को भी इस उम्र में पता ना इतने काम कहां थे याद आवे। आवाज तो आई थी, कहां फंस गए? महेश, आ गई आफत। महेश, महेश, तेरी बुड्ढे की ऐसी की तैसी। महेश, होना पड़ेगा। महेश, जानिए बुड्ढे को। देख अभी से कोई दूसरा काम याद आ गया दिखे। चक्कर क्या है? ऐसा ना हो कि पापा को किसी बात का शक हो गया हो। मेरे कान बज रहे हैं कि बूढ़ा पागल है, समझ में नहीं आ रही बात। बहुत महल है ये।
महेश, महेश मर गए। इस बार है कि नहीं है? दो दो बार दरवाजा खटखटाया जाता है, दिखाई कोई देता नहीं, कोई भूत भूत तो नहीं है? अन्नपूर्ण सागर कपीसती हूँ लोक उजागर। महेश तू एक काम कर, ये तूने कंबल क्यों ओढ़ रखा है? ठंड लग रही? ठंड लग रही हाँ? अच्छा काम फिर बाद में बताऊंगा। रे बच गया ना तो अभी हो जाता जान का युद्ध। युद्ध? रोहित कुमार तू इंजीनियर से उसके जैसा गंवार होता जा रहा है। ले जाओ तब मुरब्बा खाओ, हरा पेट एकदम ठीक हो जाओगा। महेश गांव में तो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं ना, एकदम खुलापन। हाँ गांव की बात ही निराली है, बड़े बड़े खेत, ताजी हवा, बड़े बड़े पेड़, चुबारा, ताश खेलते लोग, तड़की डिब्बा लेके जाते लोग, खेत में काम करते लोग और वर्जिश करते लड़के। बाबूजी जल्दी से दवाई लेकर आ। हे भगवान क्या हो गया इन्हें? हे भगवान मम्मी ये लो दवाई जल्दी से दे। सुन 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 लो बाबूजी यू काढ़ा पियो एकदम ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ लो 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 हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या पिला दिया इनको? आराम हो जाएगा, काढ़ा पिला दिया। मेरा बुड्ढा हो गया बीमार तो मैं क्या करूं? क्या कर रहे हो? भजन कर रहा हूँ। क्या आंख ना दी भगवान ने? तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ तुमने पापा को क्या दिया था कि वो बिल्कुल ठीक हो गए? अच्छा वो तो ठीक होने ही थे, मैंने गांव की अचूक औषधि जो दी थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैंने गांव में बड़े बड़ों के रोग काटे हैं। अच्छा हाँ। फिर तो तुम बहुत काबिल इंसान हो। वो तो मैं हूँ ही। अच्छा एक बात बताओ वो वापस क्यों आ गए? कौन वापस आ गए? दीदी और जीजा जी। और के चले जाते, उन्हें तो आना ही था। वही तो पूछ रही हूँ क्यों आ गए? पापा उनके टिकट खो गए तो आते ना तो और के करते। टिकट खो गए तो टिकट तो दूसरे भी लिए जा सकते थे। तो यह बात तू अपनी बहन से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रही है? क्योंकि सच बात तो तुम भी जानते होगे। मुझे ना पता कुछ भी, मैं ना जानता। अच्छा महेश एक बात पूछूं? पूछे क्यों है तू, ले धो ले ले ले। नहीं 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 मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ तुम पढ़े लिखे कितने हो? हाँ संजना एक बात सुन। अभी नहीं, अभी हम पकड़े जा सकते हैं, रात को जब तुम कमरे में आओगे तब बात करते हैं, ठीक है ना? मेरी बात सुन लीजिए संजना जी, मेरी बात सुन लीजिए। महेश भले ही कमरे में आ जाए पर मैं इसके कमरे में नहीं जाऊंगा। 36 बेर जाओगा नहीं कटेगा नहीं। क्यों रोहित क्या हो गया? संजना जी कल ही जैसे तैसे बचाऊं, कल कमरे में आपके पापा आ गए थे, वो तो शुक्र है कि उन्होंने मुझे देखा नहीं, वरना देखते ही गोली मार देते। और ना जाओगा तो गोली मैं मार दूंगा। अरे तुझे ठाली पठान के ले आए हम। महेश जी जब तक सांस है तब तक आस है, जब सांस ही नहीं तो आस किस चीज की? मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। टांग ना तोड़ दूंगा तेरी, जाने की बात करेगा तो। अरे रुको रुको लड़ क्यों रहे हो? रोहित तुम कमरे में मत जाना, मैं महेश के कमरे में खुद जाऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। मुझे यूं ही ठीक करना पड़ता दिखे। संजना जी आप समझा लीजिए इन्हें। ठीक है समझाती हूँ। संजना जी आप समझा ही लेना इन्हें। बेटा क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बस एक बात तो पूछिए ना।
महेश तो तेरा नौकर है, तू उसे डांट सकता है, धमका सकता है, उस पर ऑर्डर चला सकता है, और तू उसे डांटने के बजाय उसे आदर से बोलता है, जैसे कि अभी तूने उसके लिए उन्हें कहा। वो मेरा नौकर है। हाँ, नौकर ही तो है, पर यहाँ कौन नौकर नहीं है, हम सब किसी ना किसी के नौकर हैं। कोई किसी की नौकरी कर रहा है तो कोई किसी की नौकरी कर रहा है। अब देखिए ना, मैं भी तो किसी का नौकर ही हूं। अब मैं जिसके पास नौकरी करता हूं, अगर उससे आदर की उम्मीद करता हूं, अगर महेश मेरे पास काम करता है तो वो भी तो मुझसे आदर की उम्मीद करता होगा ना। अगर मैं उसे आदर देकर बुलाऊं तो उसमें बुरा क्या है। चल छोड़, तू ये बता, अभी रह गया कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूछो। संजना तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे संजना जी क्यों कहते हो? कभी तुम्हारे पापा ने तो मुझे बिमला जी नहीं कहा, बल्कि प्यार में बिल्लो और कह देते हैं। तुम अपनी पत्नी को संजना कह सकते हो, संजू कह सकते हो, उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखो। तत्र नारी पूज्यते यत्र देवता विराजते, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता नाश करते हैं, वास करते हैं। मैं तो नारी की इज्जत ही नहीं वरन पूजा करता हूँ, पूजा करता हूँ। मैं तो एक ऐसा संगठन चलाना चाहता हूँ जहाँ नारी के पूजन की भिन्न भिन्न विधाएं सिखाई जाएं। मेरी माँ, जीते रहो बेटा, तुम्हारी ये सोच तो बहुत अच्छी है, जीते रहो बेटा। जी, जी, जी। ओम नारियः नमः, ओम नारी की नौकरियां है नमः, ओम मेरी ऐसी की तैसी नमः। वो मेरी बीपी वाली टैबलेट्स कहाँ रखी हैं? महेश को पता होगा, आजकल सारी चीजों का ध्यान वही रखता है। तू भी रख लिया कर थोड़ा बहुत ध्यान। जब से वो आया है हमें तो इस घर में कुछ करना ही ना पड़ रहा है, हम सबको तो लापरवाह सा कर दिया है उसने। लापरवाह? पता ना क्या क्या कर दिया है उसने हमारा। सारी जिम्मेदारी अपनी कंधों पर ले रखी है उसने। जिम्मेदारी? मुझे तो ऐसा लग रहा है एक दिन कंधा भी हमें वही देगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तारीफ तो तू उसकी ऐसे कर रही है जैसे नौकर न होकर एक कंप्यूटर हो गया हो वो। बात सुन ले मेरी ध्यान से, मुझे वो इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए, आज के आज, अभी के अभी वो घर से बाहर चाहिए मुझे, समझी तुम? महेश मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। अरे कई दिन से उसके इलेक्शन देख रहा हूँ और तड़की तो ऐसे हंस के गई, बस मुझे ही पता है, तू मेरा विश्वास कर ले और निकल कलाक को कुछ होगा तो मुझे मत कह दिए बस कुछ। तुम इतना बन क्यों रहे हो है? तुम खुद कुछ दूरी बनाकर रहो, समझे? ऐसा भी हो सके? अरे लड़की जब इतने जुलम ढाओगी तो लड़का बहक भी सके। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दूरी बनाकर रहो वरना बता रही हूँ मैं तुम्हें। महेश, ओए महेश, अरे ये क्या कर रही हो? अरे चुप कर, बहू बना रहा हूँ तुझे। अरे बुड्ढा आ गया, सूदी गोली मारा। लेठक लेठन ते कुछ दिख ना जावे, वरना तो बहुत बहमी है तू बुड्ढा। अरे आ रहा हूँ। ओए महेश, तूने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? और ये क्या, तेरे चेहरे पर इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? हैं? पसीने आ रहे हैं? हाँ, वो गर्मी लग रही है ना मुझे, इसलिए पसीने आ रहे हैं। गर्मी? पर तुझे कल तो ठंड लग रही थी। मरवा दे दिखे, सड़ा ठंड बता गया दिखे। क्या कहा? वो बाबूजी मुझे एक दिन गर्मी लगा, एक दिन ठंड। एक दिन गर्मी, एक दिन ठंड। ये कौन है? ये कौन है? ये बाबूजी, ये मेरा भाई है। भाई? भाई है? पर इसने ये चादर क्यों ओढ़ रखी है? वो इसे ठंड लग रही है। तुझे गर्मी, इसे ठंड। ये क्या, इसके पैर तो बिल्कुल लड़कियों की तरह हैं। पैर दिखे? हाँ। लगते क्या जी हैं? हैं लड़कियों की तरह हैं। क्या मतलब? मतलब ये बिल्कुल माँ पे गई है ना, मतलब गया है। अच्छा, तू ये बता, संजना कहाँ है? अभी तो ना आई। अभी भी आई?
मतलब आएगी, टाइम फिक्स कर रखा है। अच्छा अब ये भी बता दे कितने बजे आएगी। वो सुबह आओगी ना चाय को। हाँ, अब ये चप्पल। जी जी अभी तो रात हो रही है जी, सुबह को आओगी। सुबह को? ओए तू एक तरफ झुका कैसे जा रहा है? वर्जिश कर रहा हूँ जी, वर्जिश। वर्जिश? वर्जिश रात में? हाँ जी। अजी आपको नहीं पता रात में वर्जिश के कई फायदे हैं, आओ आप भी करो जी। मैं नहीं करता, तो सही। मैं नहीं करता, मैं नहीं करता वर्जिश। ना जाने कहाँ फंस गया हूँ, कौन सी मनोज घड़ी में मैंने इस घर में नौकरी करने का फैसला किया था। मुझे तो लगता है इस घर से मेरी मिट्टी ही उठने वाली। जीजा जी कहाँ हैं? कौन कहाँ हैं? तुम्हारे जीजा जी। आप ही तो हैं। मैं ही तो हूँ तुम्हारा जीजा। मजाक कर रहा था। बोलना, बोल क्या बात है। अच्छा जीजा जी एक बात पूछूं? हाँ तू भी पूछ। ये तो पूरा का पूरा घर एक इंक्वायरी डिपार्टमेंट बना हुआ है और मैं यहाँ हमेशा इंक्वायरी की रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ। हर वक्त कोई ना कोई इंक्वायरी आती रहती है, तो पूछ क्या पूछना चाहती है। मैं तो तनख्वाह इसी बात के लेता हूँ, पूछ। जीजा जी ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में कुछ नहीं आएगा, तोते उड़ेंगे तोते। मतलब कुछ नहीं, मतलब छोड़। तू पूछना क्या पूछने आई थी। अब वो मैं पूछ रही थी कि आपको दीदी को पाकर कैसा लगा। अरे जब से तेरी दीदी का साथ मिला है ना, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। क्या था और क्या हो गया। जीजा जी मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब तेरी दीदी से मिलने से पहले मैं कितना उदास उदास हुआ करता था, पर जब से तेरी दीदी मेरी जिंदगी में आई है ना, मैं कितना खुश हूँ। कितना खुश हूँ मैं, देखो ना कितना खुश हूँ मैं। तो एक बात बताओ। हाँ। आप दोनों हनीमून से वापस क्यों आ गए? वापस? बस आ गए। पर क्यों आ गए? एक बात बता पिंकी, हनीमून पर जाने के लिए क्या जरूरी आदमी घर से बाहर जाए? अरे घर पर बैठकर लेटकर, मतलब घर पर रहकर भी तो हनीमून मनाया जा सकता है ना। और एक बात सुन लो, अभी तो मैं छुट्टी पर हूँ, पूरा का पूरा वक्त अपने परिवार को दे सकता हूँ। एक बार मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली ना, तो उसके बाद तो। अच्छा जीजा जी तो एक बात बताओ, कभी कभी दीदी आपसे रूठ भी जाती होंगी ना? कभी कभी? हाँ कभी कभी रूठ जाती है। अच्छा तो फिर आप उन्हें मनाने के लिए किस तरह से प्यार करते हैं? प्यार कैसे करते हैं? पिंकी तू यहाँ क्या कर रही है? अब जीजा जी से बात कर रही हूँ। हाँ। जीजा जी से? हाँ हाँ ये तेरे जीजा ही तो हैं। हाँ। तुम जीजा हो इसके? पर तुम कर क्या रहे थे? मैं? हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं। हाँ वो तो मुझे पता ही है, तुम कुछ नहीं कर रहे, कर तो कोई और ही रहा है। तुम कब करोगे? मैं क्या करूँ, कब करूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो संजना कहाँ है? संजना तो महेश के पास है ना। महेश के पास? हाँ। संजना तुम्हारी पत्नी है, तुम संजना के पति हो। हाँ। वो महेश के पास है। हाँ। और तुम पिंकी के क्या हो? मैं पिंकी का कुछ नहीं हूँ। जीजा तो हो? हाँ जीजा तो हूँ, जीजा तो हूँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है।